हेलो एवरीवन, दिस इज श्याम चौधरी। वेलकम बैक टू श्याम चौधरी ब्लॉग्स अगेन। सो गाइस, ये जो रिक्रूटमेंट आप देख पा रहे हैं, ये बाग से निकला है, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर BARC। उससे पहले भी रिक्रूटमेंट निकल चुका था स्टाफ नर्सेस के लिए BARC से, अभी एक या दो महीने पहले। अभी फिर से जो ही ये निकला है, आप चाहे तो ये देख सकते हैं मेरे स्क्रीन पर, पहले जो निकला था वैकेंसी, वीडियो सेक्शन में जाकर आप जो ही वैकेंसी देख सकते हैं जो प्रीवियसली निकला था। एंड ये वैकेंसी जो है कंट्रैक्ट बेसिस पे निकला है। इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स जो है अप्लाई कर सकते हैं इसके लिए। एंड वॉक इन इंटरव्यू बेसिस में जो है आपका रिक्रूटमेंट किया जाएगा BARC हॉस्पिटल में। सो इंटरेस्टेड हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं, अगर आप एलिजिबल है तो। एलिजिबिलिटी क्या है हम देखेंगे इस वीडियो में, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सो गाइस, इससे पहले अगर नहीं है तो हमारे चैनल में फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह का इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हमारे चैनल में आते रहते हैं नर्सिंग के रिक्रूटमेंट रिलेटेड। सो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, रिक्रूटमेंट फॉर द नर्स ऑन अदक बेसिस यानी कि कंट्रैक्ट बेसिस, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर कंडक्ट वर्क इन इंटरव्यू फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ द नर्सेस ऑन कंट्रैक्ट बेसिस और लोकम बेसिस। क्वालिफिकेशन 12th स्टैंडर्ड के बाद अगर आपने GNM किया है, 3 इयर्स के जो कोर्स होता है, और अगर आपके पास रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट फ्रॉम द महाराष्ट्र नर्सिंग काउंसिल से ही, तो वह आप अप्लाई कर सकते हैं, एलिजिबल है। एंड BSc नर्सिंग कैंडिडेट भी इसके लिए जो है अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उनके पास भी जो है नर्सिंग रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट महाराष्ट्र का होना चाहिए। एंड जो भी आर्मी में नर्सिंग असिस्टेंट एज ए काम कर रहे थे, वो भी इसके लिए जो है अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए जो है 1 ईयर की एक्सपीरियंस चाहिए। एंड अगर आपके पास नर्स ए सर्टिफिकेट है विथ 3 इयर्स एक्सपीरियंस, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। सो जो आर्मी में जो नर्सिंग असिस्टेंट है, वो जो है 3rd रिक्रूटमेंट जो है वो इसे जो है समझ सकते हैं, क्योंकि नर्सिंग असिस्टेंट के लिए जो है थोड़ा डिफरेंट क्वालिफिकेशन है। सो यहाँ पर एक्सपीरियंस देखिए, अगर आप ICU में या फिर ऑपरेशन थिएटर में एक्सपीरियंस है, तो फिर आपको जो है प्रेफरेंस ज़्यादा मिलेगा। एंड आपका सैलरी जो होगा 24,234 रुपीज़ प्लस डियर अलाउंस जो है बाकी का जो है आपको मिलेगा, यानी कि मिनिमम 40,000 रुपीज़ आपको जो है मिलेगा। एंड पीरियड ऑफ अपॉइंटमेंट जैसे कि आप देख पा रहे हैं 178 डेज एंड नॉट मोर देन 89 डेज एट वन टाइम। एंड एज लिमिट होगा आपका जो है अप टू 45 ईयर्स तक कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं इसके लिए। अप्लाई क्यों नहीं करना है आपको, तो इंटरव्यू बेसिस में इंटरव्यू अटेंड करना है। मैं डेट एंड वेन्यू जो है आपको बता दूंगा। देखिए, इंटरव्यू डेट है 18 अक्टूबर ट्यूजडे में एट 10:30 आवर्स ऑनवर्ड्स। एंड रिपोर्टिंग टाइम आपका जो होगा 8:30 AM को होगा। कैंडिडेट्स रिपोर्टिंग आफ्टर 10 AM आवर्स विल नॉट बी एंटरटेन्ड। एंड वेन्यू होगा आपका कॉन्फ्रेंस रूम नंबर 2 ग्राउंड फ्लोर BARC हॉस्पिटल, अनुशक्ति नगर, मुंबई। पिन नंबर है 400094। सो डेट एंड टाइम आपको पता चल गया। एंड वेन्यू भी जो है BARC हॉस्पिटल अनुशक्ति नगर में जो है, वहाँ पर आपको ग्राउंड फ्लोर में जाना है। वहाँ आपको 8:30 तक जो है रिपोर्टिंग कर देना है, 10 बजे के बाद आपको जो है एंटरटेन नहीं किया जाएगा, अलाउ नहीं किया जाएगा। एंड उसके साथ जो है कैंडिडेट आर एडवाइज टू ब्रिंक ड्यूली फिल्ड एप्लीकेशंस एलोंग विथ द ओरिजिनल सर्टिफिकेट एंड ए सेट ऑफ कॉपी अटैच टू द एप्लीकेशन। आप ये एप्लीकेशन फॉर्म जो है डाउनलोड कर सकते हैं मेरे टेलीग्राम चैनल से, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आप जो है ज्वाइन हो सकते हैं मेरे टेलीग्राम चैनल में, जिसका नाम है श्याम चौधरी। एंड वहाँ से जो है आप ये एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं। आपको ये एप्लीकेशन फिलअप करने के बाद 1 सेट ऑफ आपके जो भी एजुकेशनल एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट्स हैं उसके एक कॉपी जो है अटैच करके इंटरव्यू अटेंड करना होगा, लेकिन उसके साथ जो है आपको ओरिजिनल भी आपके साथ रखना होगा वेरिफिकेशन के लिए। सो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो फिर अप्लाई कर सकते हैं भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर हॉस्पिटल जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर जो है आता है।
अच्छा एक्सपीरियंस होगा अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो फिर अप्लाई कीजिए। सो गाइस आज के लिए इतना ही इन्फॉर्मेशन, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और एक नए रिक्रूटमेंट के साथ। बने रहिए हमारे चैनल में एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी तक फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह का इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हमारे चैनल में आते रहते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और एक नए रिक्रूटमेंट के साथ। मैं हूँ श्याम चौधरी, थैंक यू।